गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था के बारे में, यानी कि शैशवावस्था में क्या क्या होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में, यानी कि बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो शैशवावस्था जैसे ही खत्म होता है, ठीक उसके बाद ही यह बाल्यावस्था आरंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बाल्यावस्था बालक का निर्माण कारी काल होता है, यानी वैज्ञानिक यह कहते हैं या यह मानते हैं कि बालक का जो निर्माण कारी काल है, यह किसको माना गया है? बाल्यावस्था को ही माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं के प्रतिरूपों का भी निर्माण कर लेते हैं। यानी जो भी उनकी व्यक्तिगत है या सामाजिक है या शिक्षा संबंधी जो भी आदतें हैं या उनके व्यवहार हैं या रुचि हैं या इच्छाएं हैं, उन सब का क्या होता है, उनके अंदर प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। और इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं के जो भी प्रतिरूप बनते हैं लगभग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं और उन्हें सरलता पूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। बाल्यावस्था में मानव के लगभग 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच की आयु का काल है। यानी कि जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था की अवधि क्या है? 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें बालक के जीवन में अस्थायित्व तो आने लगता है और वह आगे आने वाली जीवन की तैयारी भी करने लगता है। और बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि बालक जब बाल्यावस्था में जाता है तभी क्या करता है? वह शिक्षा शुरू करता है, यानी शिक्षा प्रारंभ करता है। तो ये तो था बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है। अब इसमें देखेंगे बाल्यावस्था की भी विशेषताएं क्या है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल्य बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। अगर बालक की विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था में भी निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन विशेषताएं पाई जाती हैं, उस विशेषताओं के बारे में वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। इसको देखेंगे स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता क्या है। तो बाल्यावस्था में जो विकास की गति रहती है, उस विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। अगर विकास की दृष्टि से इस अवस्था को देखा जाए तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है 6 से 9 वर्ष के बीच को कहा गया है संचय काल। और दूसरा इसमें है 10 से लेकर 12 वर्ष तक, और इसको कहा गया है परिपाक काल। यानी कि जो
बालक की शारीरिक और मानसिक विकास में जो स्थिरता रहती है, इस स्थिरता को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है 6 से 9 वर्ष तक, जिसे हम संचय काल या कन्वर्जेशन पीरियड कहते हैं, और दूसरा है 10 से 12 वर्ष के बीच की उनका अवधि को क्या कहते हैं, परिपक्व काल कहते हैं, कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर 9 वर्ष में विकास हो जाता है, वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही उत्तर बाल्यावस्था जो कि 10 से 12 वर्ष में दृढ़ होने लगता है। यानी जो उत्तर बाल्यावस्था होता है, जिसे हम परिपक्व काल कहते हैं, इसमें बालक का जो भी विकास होता है, उस विकास में दृढ़ता होने लगती है और उनकी चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है। यानी कि बालक जो शैशवावस्था में जितनी चंचलता दिखाता था, इस बाल्य काल की जब अवधि में आता है, तो उसके अंदर चंचलता में कमी आने लगती है और वह वयस्कों के समान ही व्यवहार करना दिखाई देने लगता है। यानी कि जैसे वयस्क व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह बालक भी क्या करने लगता है, अपना व्यवहार उत्पन्न करने लगता है। और रॉस ने इस बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता बताते हुए कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी कि बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है मानसिक योग्यताओं का विकास। दूसरा है मानसिक योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट इन मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें बर्ड कहते हैं कि इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती हैं। मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए भी सरलता से चिंतन कर लेते हैं। यानी चाहे वह वस्तुएं मूर्त हो जो दिखाई दे रही हैं, चाहे वह अमूर्त हो जो दिखाई नहीं दे रही है, उनके बारे में भी बालक इस अवस्था में सरलता से चिंतन कर लेते हैं। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं इस अवस्था में बालक के अंदर आने लगती है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र होती है। यानी कि बालक जब बाल्यावस्था में होता है, तो उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र होती है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं, और शैशवावस्था में उसके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक ही सीमित रहती थी। यानी कि उससे आगे नहीं पूछते थे, बस ये पूछ लेते थे, हाँ ये क्या चीजें हैं, अगर बता देते बस शांत हो जाते। लेकिन बाल्यावस्था में वह क्यों और कैसे भी जानना चाहते हैं, आखिर ये चीजें क्या है, ये कैसे बनी है, आखिर ये क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीजें भी वह जानने लगते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध, बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में भी विचरण करने लगता है। यानी शैशवावस्था में तो बालक काल्पनिक में ही खोया रहता था, लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में आते हैं, तो काल्पनिक जगत से बाहर निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगते हैं और यह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होते रहते हैं तथा
इसके बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंग कहते हैं कि बालक, स्ट्रेंग कहते हैं कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि बालक अपने को इस विशाल संसार में कोई अकेले ही पाता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है आत्मनिर्भरता की भावना। आत्म निर्भरता की भावना, इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है आत्म निर्भरता, यानी कि इस आत्मनिर्भरता में क्या होता है, इस समय शैशवावस्था की भांति ही बालक शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए भी पराश्रित नहीं होता है। यानी क्या होता है, इस अवस्था में जब बालक आता है तो खुद पर ही आश्रित हो जाता है और वह अपने दैनिक कार्य में जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाना आदि की तैयारी भी वह स्वयं कर लेता है, क्योंकि वह खुद पर ही निर्भर होने लगता है। यानी कि बालक के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आता है इसमें रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि, यानी कि बालक जब इस बाल्यावस्था की अवधि में आता है तो उसके अंदर रचनात्मक कार्यों में भी रुचि आने लगती है, कि बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में भी रुचि रखने लगते हैं। यानी जो रचनात्मक कार्य होते में है उसमें भी बालक के अंदर क्या होती है, बहुलता आने लगती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में भी आनंद और संतोष भी अनुभव करते हैं, चाहे वह लड़के हो या लड़कियां हो, वो अपनी रुचि के अनुसार ही कि चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो अपनी रुचि के अनुसार ही क्या करते हैं, कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं। यानी चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, जिस कार्य में उनकी रुचि रहती है उसी कार्य को करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जैसे दफ्ती से गुलदस्ता बनाना या मकान बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल आदि बनाना, लड़की की कोई भी वस्तु बनाना या गुड़िया बनाना, ये सारे जो कार्य होते हैं करने लगते हैं। यानी जो भी रचनात्मक कार्य होती है वो उसमें बालक की रुचि आने लगती है, ये सारे कार्य करने लगते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है संवेगों पर नियंत्रण।
संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता भी आ जाती है, यानी कि बालक जब बाल्यावस्था में जाता है तो वो अपने संवेगों में नियंत्रण भी करने लगता है, यानी कि उसके अंदर स्थिरता भी आने लगती है। बालक भय और क्रोध को भी नियंत्रित करने लगता है, यानी जैसे शैशवावस्था में अगर भय दिखाते थे या क्रोध दिखाते थे तो उसे क्या लगता था, वो डर जाता था। लेकिन बालक जब इस शैशवावस्था में आता है, इन सारी चीजों से क्या होता है, जो भी डर होता है वो हट जाता है, उसके अंदर डर नहीं रहता है। और वह अपने माता पिता व अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में भी संकोच करने लगता है। और साथ ही वे यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावनाएं प्रकट करनी है, अगर जो भी हम भावनाएं प्रकट कर रहे हैं वो क्या वह लाभकारी है, इन सारी चीजों के बारे में वो समझने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं। उसके बाद आता है इसमें अगला पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। यानी कि सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, यानी कि बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ भी पर्याप्त समय व्यतीत करने लगते हैं, चाहे वह विद्यालय के विद्यार्थी हो या अपने घर के जो भी समूह है, उन समूहों के जो भी सदस्य है, व्यक्ति हैं, उनके साथ भी क्या करने लगता है, बालक ज्यादा समय व्यतीत करने लगता है। तो उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करने से उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता आदि आदि जो सामाजिक गुण है उसके अंदर विकास होने लगता है। तो ये तो था बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब आगे चलते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा। यानी कि बाल्यावस्था में शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है और उसे नवीन अनुभव भी प्राप्त होते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के मध्य भी उसका विकास होने लगता है। ब्लेयर, ब्लेजर, जोन्स एवं सिम्पसन कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों का काफी सीमा तक निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार यह अवस्था जीवन की आधारशिला है और शिक्षा आरंभ करने की दृष्टि से भी इसे अत्यधिक उपयुक्त माना गया है। यानी कि जो शिक्षा आरंभ करने की दृष्टि से अगर देखा जाए इस अवस्था को, तो अत्यधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि शिक्षा विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बालक के निर्माण और विकास का उत्तर पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता, अध्यापक और समाज के ऊपर ही निर्भर होता है। अतः बालक का स्वरूप निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना जरूरी है। यानी जब बालक को शिक्षा दी जा रही है या बालक की शिक्षा आरंभ की जा रही है, उसके लिए
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जिन बातों को ध्यान देना जरूरी है। तो कौन कौन सी बातें हैं उसको देखेंगे वन बाय वन करके। पहला है शारीरिक विकास पर ध्यान, शारीरिक विकास पर ध्यान, अटेंशन ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्षों यानी कि 6 से 9 वर्ष, यानी बाल्यावस्था की जो प्रथम 3 वर्ष है यानी 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास होता है, और अंतिम 3 वर्ष यानी जो कि अंतिम के 3 वर्ष होते हैं 9 से लेकर 12 वर्ष तक, इसमें विकास में दृढ़ता प्राप्त करता है। यानी कि बालक की जब उम्र 9 से 12 वर्ष की होती है तो इस अवधि में बालक के अंदर क्या होता है, दृढ़ता आने लगती है। बाल्यावस्था में हड्डियों में दृढ़ता आ जाती है और मांसपेशियों पर नियंत्रण भी होने लगता है। अतः खेल कूद ड्रिल आदि का विशेष भी आयोजन किया जाना चाहिए, यानी चाहे घर पर हो या स्कूलों में हो, तो उन जगहों पर भी खेल कूद से संबंधित या ड्रिल से संबंधित ये सारे भी मतलब कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, और विद्यार्थियों को प्रति भाविता के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि आप भी जो ये खेल हो रहा है इसमें आप भी क्या करें, भाग लें, और उत्तम वातावरण की भी उपलब्धता कराना चाहिए। यानी कि जो वहाँ का वातावरण हो, वातावरण भी क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है भाषा विकास पर ध्यान। अगला पॉइंट है भाषा विकास पर ध्यान। बालक के भाषा आरंभ से ही ध्यान देना चाहिए, यानी कि बालक जब शुरू से भाषा सीखता है तो शुरू से ही बालक के भाषा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए उपयुक्त विषयों पर भी वार्तालाप करना, कहानियां सुनाना, बाल पत्रिकाएं पढ़ने के लिए देना आदि जो भी ये कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करना चाहिए। और विद्यालय में वाद विवाद, संभाषण, कहानी प्रतियोगिता तथा कविता पाठ आदि में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि स्कूलों में या विद्यालयों में वाद विवाद या संभाषण या कहानी प्रतियोगिता की आदि में भी भाग लेने के लिए भी बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि जो बालक का जो भाषा का विकास है उसको अच्छे तरीके से वह सीख सके। उसके बाद अगला आता है उपयुक्त विषयों का चुनाव। यानी कि बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी कि बालक के लिए कुछ ऐसे विषय भी होने चाहिए जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए हितकारी भी हो, जैसे भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना आदि जो भी ये उपयुक्त विषय हैं, ये सारे विषय भी रहने चाहिए। तभी क्या होगा, बालक उस विषय के बारे में वह सीख सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है रोचक विषय सामग्री।
रोचक विषय सामग्री रुचियों की दृष्टि से बालक भिन्न होते हैं। यानी कि अगर रुचि की दृष्टि से देखा जाए तो बालक क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अतः बालक के पुस्तकों की विषय वस्तु में रोचकता और भिन्नता भी होती है, क्योंकि जो बालक की विषय वस्तु है तो उसमें रोचकता और भिन्नता भी क्या होती है? अलग होनी चाहिए। और बालक की पुस्तकों में नाटक, वीर पुरुष, साहसी कार्य, आश्चर्यजनक बातें, शिकार आदि से संबंधित विषय वस्तु रखनी चाहिए, जिससे बालक क्या हो, मनोरंजन के तौर पर या उसे बालक को रोचक लगे, जिसकी वजह से वह बालक क्या हो, सीख सके। ये सारे मतलब विषय होने चाहिए। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, यानी कि बालक को जो भी शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा कैसा होना चाहिए? मां बाल मनोविज्ञान पर आधारित होने चाहिए। यानी कि बालक बालिकाएं कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं। यानी जो भी बालक हैं या बालिकाएं हैं वह कभी भी कठोर अनुशासन नहीं पसंद करते हैं। डांट फटकार, शारीरिक दंड, बल प्रयोग आदि से वह घृणा करते हैं। तो कभी भी बालकों के ऊपर कभी भी बालकों के ऊपर कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए, ना ही कभी उन्हें डांटना चाहिए, ना मारना चाहिए, ना कभी उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा करने की वजह से क्या होगा, बालक नहीं सीख सकता है। तो उस बालक को सिखाने के लिए, इस अवस्था के बालकों के लिए सहयोग, प्रेम, सहानुभूति की भावना प्रकट करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, बालक से प्रेम करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, बालक ज्यादा सीखेगा। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। हाँ, इसमें जो भी बाल्यावस्था में शिक्षण विधि रुचिकर तथा क्रिया और खेल के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो इस अवस्था में जो शिक्षण विधि है वह शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, रुचिकर तथा क्रिया खेल विधि के सिद्धांत से संबंधित होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण विधि में आवश्यकता अनुसार भी करते रहना चाहिए। अगर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट, डाल्टन की क्रिया, खेल तथा स्वानुभव पर आधारित शिक्षा प्रणालियां होनी चाहिए। यानी कि जो भी बालक को शिक्षा प्रणाली दी जा रही है, यानी जो भी शिक्षा ग्रहण कराया जा रहा है, वो किस पर होना चाहिए, खेल एवं क्रिया विधि पर ही आधारित होनी चाहिए। तो कौन कौन सी विधि है, तो किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, बेसिक है, प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि जो है खेल पर आधारित शिक्षा पद्धति है। इसी आधारित पर बालक को शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है, जिज्ञासा की संतुष्टि। यानी कि बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करने वाली शिक्षा उसे दी जानी चाहिए। यानी कि बालक की
जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि बालक की जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को हम कैसे शांत कर सकते हैं। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति काफी प्रबल होती है और वह प्रत्येक नई वस्तु या नई घटना के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहता है। चाहे वो तो कोई नई वस्तु हो या कोई नई घटना हो, उन सारी के बारे में क्या करना चाहता है, वह पूरी जानकारी करना चाहता है। यानी कि यह क्या क्या चीजें है। तो अतः माता पिता अध्यापकों को बालक की जिज्ञासा शांत करने के करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। चाहे वो माता पिता हो, चाहे अध्यापक हो, या जो भी उसके आसपास के पड़ोस के लोग हैं, तो बालक की जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करना चाहिए। अगर ऐसी सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं तभी क्या होगा, बालक को हम शिक्षा दे पाएंगे। अगर ये सारी पद्धति अगर नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा, हम बालक को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ना ही बालक का विकास हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये तो था बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है या बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होती है, ये सारे पॉइंट्स थे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, यानी कि एडोलेसेंस के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।